वेलकम टू माई चैनल. दिस इज मी साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान. सो आज की वीडियो हमारी बहुत ही मजे की होने वाली है और ये है मेगा प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया और इसका टाइटल है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडिया फर्स्ट ई हाईवे. ई हाईवे मीन्स इलेक्ट्रिक हाईवे. चलें देखते हैं खैर इसके बारे में कि क्या बताया जा रहा है और ये कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है और फिर बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, आज 21वीं शताब्दी के नए भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. इस कड़ी में सागरमाला परियोजना के तहत नए पोर्ट्स बन रहे हैं और पुराने पोर्ट्स को आधुनिक बनाया जा रहा है. आधुनिक से आधुनिकतम एयरपोर्ट्स बन रहे हैं. गिफ्ट और धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज का निर्माण हो रहा है. शहरों में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है और पहले से चल रही मेट्रोज का विस्तार हो रहा है. किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो. और अब नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम जुड़ गया है. ये एक अनूठी परियोजना है जिसके साथ इलेक्ट्रिक हाईवे बनना भी प्रस्तावित है. गुरुग्राम से होकर गुजरने वाले 1250 किलोमीटर लंबे ग्रीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब हर हाल में 3 साल यानी 2023 से 2024 के बीच पूरा हो जाएगा. दिल्ली से मुंबई का सफर आप एक नए चमचमाते एक्सप्रेसवे के जरिए कर पाएंगे. ये हाईवे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी को जोड़ेगा. इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिल्ली और मुंबई की 1450 किलोमीटर की मौजूदा दूरी 1250 किलोमीटर में पूरी हो जाएगी. ये एक्सप्रेसवे देश के कई शहरों से होकर गुजरेगा जिसमें दिल्ली, मेवात, कोटा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, दहिसर और मुंबई शामिल हैं. इस एक्सप्रेसवे पर 10 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे. 50 किलोमीटर के अंतराल पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था के साथ ही सोलर प्लांट और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे. इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे शहर, इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर भी बसाए जाएंगे. इस रूट पर वाहन सुरक्षित चल सकें इसके लिए एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया जाएगा. इस एक्सप्रेसवे के बनने पर एक ट्रक जो एक महीने में दिल्ली मुंबई के बीच 6 या 7 चक्कर लगा पाता है वो 11 से 12 चक्कर लगा सकेगा. वर्तमान में देश के कार्गो का 15% हिस्सा दिल्ली मुंबई हाईवे के जरिए पहुंचाया जाता है और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी होना तय है. अन्य देशों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत ज्यादा है. फिलहाल एक दिन में ट्रक औसतन 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं जो बढ़कर 400 किलोमीटर हो जाएगी. 21वीं सदी के भारत में ट्रक्स और बसेस इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगी. इलेक्ट्रिक ईंधन से ही अन्य व्हीकल्स चलेंगे. इससे लागत में कमी आएगी. इसलिए हमारे देश में भी हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवेज में बदलने की योजना पर काम चल रहा है. मेट्रो की तरह ट्रक या बसेस भी ऊपर इलेक्ट्रिक केबल्स पर चलेंगी. आपको बता दें, इससे पहले जर्मनी ने भी बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए इलेक्ट्रिक हाईवेज पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिसके तहत सड़क के ऊपर बिजली की तारें बिछाई गई जो हाइब्रिड ट्रक्स को पावर देती हैं, जिससे बिना प्रदूषण हाइब्रिड ट्रक्स सामान को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने में सक्षम हो पाए हैं. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक इलेक्ट्रिक हाईवे मार्ग की योजना पर
काम चल रहा है। इस 1,00,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यूरोप की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे बने, ऐसा उनका सपना है। जर्मनी और कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक हाईवे को लेकर काफी काम हुआ है। यहाँ हमारे देश में भी इलेक्ट्रिक हाईवे पर बसें और ट्रक चल सके, ऐसा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर बनने वाले रेस्टोरेंट्स में भी लोगों को अलग अलग राज्यों के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराया जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। यहाँ डीजल के वाहन चलने के बजाय तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन चल सकें, ऐसा प्रयास रहेगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, इससे आय के संसाधन भी बढ़ेंगे। मुंबई व दिल्ली के बीच व्यापारियों का माल आसानी से आ जा सकेगा और धन व ईंधन की बचत भी होगी। एक्सप्रेसवे पर लोगों को खादी व हैंडलूम के साथ हर राज्य की खास चीजें मिल सकें, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत। ऐसे रोड देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक की तारें होंगी ऊपर और छत की तरह, और हम लोग मतलब कि बिना ईंधन के हम उस गाड़ी में बैठे हुए होंगे, मतलब कि ट्रक वगैरह जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा होता है, और बिना ईंधन के यार, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और ये वाकई में गुड न्यूज़ भी और बहुत बड़ी न्यूज़ भी है कि इंडिया में अब दूसरे मुल्कों की तरह, जैसे अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ की तरह जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर चुकी है कंट्रीज, उसमें से अब इंडिया का भी नाम आने वाला है। मतलब वैसे तो मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, सो ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना, ये मेरा सबसे बेस्ट वाला फेवरेट जो प्रोजेक्ट है ना, जिसने मुझे एक्साइटेड भी कर दिया और चौंका भी दिया, तो ये वो वाला प्रोजेक्ट है। मतलब कि वायर लगी होंगी और उसमें लोग ट्रैवल करेंगे, मतलब कि गाड़ियां जाएंगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जहाँ पर 8 घंटे का सफर होगा वहां पर 4 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि ट्रक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लोडेड होते हैं, तो वो गाड़ियां बहुत आराम आराम से चला रहे होते हैं। तो जैसे कि दिन में वो 250 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं, तो अब जो है वो दिन में मतलब कि उनका ट्रेवल जो होगा वो हाफ हो जाएगा, और 250 किलोमीटर जितने टाइम में वो करते थे कवर, अब उतने उस टाइम में वो लोग 2 से 3 बार ट्रेवल कर सकेंगे। सो बहुत ही मजे की खबर है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लिटरली। सो महीने में जहाँ वो 7-8 बार आना जाना करते हैं मुंबई टू दिल्ली, अब वो क्या करेंगे, अब एक ही महीने में वो लोग 12 से 13, 14, 15 टाइम जो है वो आराम से आ जा सकते हैं। सो यार ये बहुत ही अच्छी खबर है, मतलब कि इससे मुल्क की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और जो हम यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो उससे भी बहुत आसानी हो जाएगी। सो ये तो वाकई में गुड न्यूज़ भी है इंडिया के लिए भी, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। और मैंने बताया कि इसके बीच में ये लोग पौधे भी लगाएंगे, तकरीबन 10 लाख शायद पौधे बताए हैं कि रास्ते में लगाए जाएंगे, और बहुत ही अच्छी बात है कि ग्रीनरी भी होगी तो हवादार और मतलब फ्रेश एयर भी होगी और पॉल्यूशन भी नहीं होगी। और वैसे भी जब ईंधन के बगैर गाड़ी चलेगी तो वैसे ही पॉल्यूशन तो ख़त्म हो जाएगी। तो और इसके अलावा ये जिसने प्रोजेक्ट बनाया है ना, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीज़ों का, एक तो टाइम सेफ हो जाएगा हमारा, दूसरा सामान आराम से आ जा सकेगा और कम टाइम में सामान जो है वो एक्सपोर्ट होता रहेगा, और बाकी जो है वो रास्ते में इन्होंने खाने पीने का भी सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है कि रास्ते में रेस्टोरेंट वगैरह टाइप कुछ होगा जहाँ पर हर तरह का खाना मिलेगा, तो उससे भी लोग लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, मतलब इन्जॉय कर सकते हैं वो अपना खाना। सो उसके लिए वो टेंशन में नहीं आएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हाईवे होते हैं ना, हाईवे में हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर हमने, कहाँ रेस्टोरेंट आएगा तो हमने खाना खाना है, तो यहाँ का ये है कि अच्छा बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है इन्होंने। और मोदी जी का कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो इस चीज़ को मतलब कि इसका उद्घाटन करेंगे, सो ये बात तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि शायद लगता है कि मोदी जी ने ही इसकी नियम रखी है या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मोदी जी ने ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया होगा।
सो इसके बारे में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और कि मोदी जी के अंडर में ये काम हो रहा है या फिर ये कोई और राजनीति है जो कर रही है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ना, इन्होंने एक शहर का नाम लिया सरगोधा। सरगोधा पाकिस्तान में भी है, जो कि पाकिस्तान में भी एक सरगोधा। काफी शहर ऐसे हैं जो इंडिया में, जो पाकिस्तान के मतलब शहरों के भी नाम सिमिलर सेम सेम है। सरगोधा गुजरात, और भी बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम सेम टू सेम है, हैदराबाद, और खैर ये बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान के और इंडिया के नाम सेम सेम है। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट। और कह रहे हैं कि 2023 में, मतलब कि 2023 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब कि अभी तकरीबन तीन साल बाकी हैं तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। सो देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद इसके क्या रिजल्ट आता है, लोगों का रिएक्शन क्या होगा। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपके पास सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।